नमस्कार दोस्तों, और टीईटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। सातवां शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ का एक्शन जो है वो शुरू हो गया है और आप सभी के हित में ही यह एक्शन जो है वो लिया गया है। स्कूल इंस्पेक्शन की सीधी जवाबदेही जो है अब DM साहब को दिया गया है। अब DM जो है वो गैर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से ही आपके विद्यालय का निरीक्षण करवाएंगे। DO साहब, DPO साहब या BO साहब आकर के आपके विद्यालय का जो औचक निरीक्षण करते थे और वेतन की कटौती किया जाता था या किसी भी प्रकार से आपको दबाव दिया जाता था, उस पर जो है एक तरफ से लगाम लगा दिया है शिक्षा विभाग ने। DM हम दूसरे विभाग के पदाधिकारियों और पर्यवेक्षकों से करवाएंगे इंस्पेक्शन। सभी जिलों में इसको लेकर के नोडल पदाधिकारी की तैनाती जो है वो कर दी गई है या कर दी जाएगी। सभी DM से नोडल पदाधिकारी के लिए एक अपर संहर्ता का मांगा गया नाम। शिक्षा विभाग के टोल फ्री नंबर पर आई शिकायत पर होगा एक्शन। शिक्षा विभाग संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी को भेजेगा शिकायत। शिकायत मिलने पर गैर शिक्षा विभाग के अधिकारी से ही जाँच कराने का आदेश। जांच के बाद इस शिक्षा कोष के माध्यम से सीधी ACS को भेजनी होगी रिपोर्ट। इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग में ACS ने बताया कई जगह की थी त्रुटि। इंस्पेक्शन में आर्थिक उगाही की भी लगातार मिल रही थी शिकायत। तो देखिए, औचक निरीक्षण से आप ज़्यादा परेशान चल रहे थे क्योंकि शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो आप सभी को कई जगह तो प्रताड़ित भी करते थे, लेकिन जो अभी के हमारे अपर मुख्य सचिव साहब हैं उन्होंने देखा कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, शिक्षकों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। तो DM साहब को सारी जवाबदेही जो है वो आपके जिला का दे दिया गया है। बस आप अपने तरफ से कहीं भी कोई त्रुटि मत छोड़िएगा। जो आपको दिया गया है काम उसको आप 100% कीजिएगा, उसमें कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को ये बात भी मालूम है कि शिक्षा विभाग ने जो अपना टोल फ्री नंबर जारी किया था उस पर ही शिकायत जो है वो लगातार हो रही है। और पहले जो अपर मुख्य सचिव KK पाठक जी थे, इस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया और अभी के जो अपर मुख्य सचिव साहब हैं वो इस परंपरा को आगे तो बढ़ा रहे हैं पर कुछ अलग तरीके से जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी से यही निवेदन होगा कि आप अपने काम में कहीं भी कोई त्रुटि मत छोड़िएगा और आप बने रहिए ऑल TET तैयारी चैनल के साथ। आप सभी का जो है जवाब मैं लगातार बुलंद करता हूँ, ये बात आप सभी ने देखा होगा। बस यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा और साथ ही से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि हम सभी अब बहुत नज़दीक हैं। 1,00,000 का जो है हमारा टीम हो जाएगा। 1,00,000 एक मजबूत जो है वो स्तंभ होता है और इसको लेकर के आप सभी थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सधन्यवाद साथियों।